हमने पिछली क्लास में ट्रांजेक्शन डिकम्पोजिशन नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था आज हम बात करने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ की यानी पार्ट थ्री जो होगा हमारा आगे हम ये डी बी एम एस की सीरीज़ को बढ़ाते हैं तो एसिड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं चलिए टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा बेस सर्टेन प्रॉपर्टीज आर फॉलोड बाई ऑल द ट्रांजेक्शन अकरिंग इन सिस्टम और कंसिस्टेंसी डेटा की चाहिए हमें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रांजेक्शन तो एसिड ये साइंस वाला एसिड नहीं है ये इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं आपको तो so एसिड का ए जो है हमारा एटोमिसिटी है दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट इधर द ट्रांजेक्शन अकर कंप्लीटली और इट डज नॉट अकर एट ऑल तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने आपको पार्ट वन में भी बताया था इसके बारे में तो so क्या होता है कि कि या तो हमारी ट्रांजेक्शन पूरी होगी या फिर होगी ही नहीं है ना कोई मीडियम स्टेट कोई बीच में नहीं आता जैसे हम बटन ऑन ऑफ करते हैं वैसा है बीच में नहीं स्टेट रहता इन अदर वर्ड इट इंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन अकर पार्शली तो कोई आधी अधूरी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती सेकेंड आता है हमारा कंसिस्टेंसी तो एसिड में सी जो है दिस प्रॉपर्टी इंश्योर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंस आर मेंटेन्ड यानी इंटीग्रिटी जो Uh, जो हमारे डेटा को एक साथ रखने का जो कंस्ट्रेंस uh, है वो मेंटेन रहें है ना या दूसरे शब्द में बोलें कि इट इंश्योर दैट द डेटा बेस रिमेन कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन तो डेटा बेस कंसिस्टेंट रहता है बात करते हैं आई की एसिड में तो आइसोलेशन होता है हमारा दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन अकर साइमेंटेनियसली विदाउट कॉजिंग एनी इनकन्सिस्टेंसी तो एक साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते वो और द रिज़ल्टन स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इज सेम एज द स्टेट दैट वुड बी अचीव द ट्रांजेक्शन वर एग्जीक्यूटेड सीरियली वन आफ्टर द अदर यानी अगर आप ट्रांजेक्शन को एक साथ कर रहे हो मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो करने के बाद जो हमारे डेटा की स्टेट रहेगी वो सेम रहेगी अगर आप एक एक करके भी करो है ना यानी अगर आप फास्ट चलेंगे तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आइसोलेशन हो गया यानी डेटा एक दूसरे से आइसोलेट है फिर एसिड में डी जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल द चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आफ्टर इट्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन आर रिटर्न सक्सेसफुली टू द डिस्क क्या बोला ड्यूरेबल होना यानी लंबा टिकना है ना तो यहाँ पे डेटा की बात हो रही है तो ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि जो भी चेंजेस हो गए ट्रांजेक्शन में आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन वो डिस्क पे पहले से सक्सेसफुली रिटर्न होंगे है ना इट ऑल्सो इन्श्योर दैट दिस चेंजेस एग्जिस्ट परमानेंटली और लॉस नहीं हो सकते इवन इफ देर अकर अ फेलियर ऑफ एनी काइंड तो कोई भी फेलियर हो ये लॉस नहीं होंगे ठीक है तो ये थी हमारी एसिड प्रॉपर्टीज़ शेड्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल्स एक टर्म आता है द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन अपीयर फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड शेड्यूल है ना मतलब जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको शेड्यूल्स कहते हैं ठीक है देखो आप मैं आपको टेबल दिख रहा होगा आपको ये है ना कि शेड्यूल्स इन डी तो दो तरह के हैं सीरियल शेड्यूल्स नॉन सीरियल शेड्यूल्स सीरियल तो सिंपल हैं अब बता देंगे इसके बारे में नॉन सीरियल के दो पार्ट्स होते हैं सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल ठीक है तो सीरियलाइजेबल के भी दो टाइप हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और व्यू नॉन सीरियलाइजेबल के तो रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल तो रिकवरेबल के थ्री टाइप्स हैं जो कि आखिरी हमारा ब्रांच होगा कास्केडिंग शेड्यूल कास्केडलेस शेड्यूल या स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो बात करते हैं इन सब शेड्यूल्स की जो कि इनमें से इम्पॉर्टेंट हैं सीरियल शेड्यूल्स तो सीरियल शेड्यूल जो ये ऑल द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट सीरियल वन आफ्टर द अदर यानी सिंपल है इसमें कुछ ज़्यादा ब्रांचिंग व्रांचिंग है नहीं यही अकेला है कि जो ट्रांजेक्शन होंगे वो वन आफ्टर अदर होंगे है ना एक के बाद एक होंगे लाइन वाइज होंगी वेन वन ट्रांजेक्शन एक्जीक्यूट नो अदर ट्रांजेक्शन इज़ अलाउड टू एक्जीक्यूट है ना जाहिर सी बात है तो एक बार में एक ट्रांजेक्शन होगा उसके अलावा नहीं होगा कोई तो सीरियल शेड्यूल्स ऑलवेज़ कंसिस्टेंट रिकवरेबल कास्ट एंड स्ट्रिक्ट ठीक है तो ये कुछ टर्म्स का याद रखना कंसिस्टेंट होते हैं रिकवरेबल रिकवर करे जा सकते हैं कास्ट आते हैं अभी इसमें और स्ट्रिक्ट होते हैं ठीक है सेकेंड पार्ट है हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल्स तो शेड्यूल्स के दो टाइप थे मेजर वो नॉन सीरियल जो था वो सेकेंड टाइप था जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो दीज शेड्यूल्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कॉन करेंटली है ना तो जैसे कि सीरियल में एक एक पे एक टाइम पे एक ही होता था यहाँ पे नॉन सीरियल में मल्टीपल हो सकते हैं और ऑपरेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटर लेवल्ड और मिक्सड विद ईच अदर तो ऑपरेशन जो होंगे एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें नो सीरियल शेड्यूल्स आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट तो जाहिर सी बात है दिक्कत आ ही जाती है ना हर केस में नहीं होता है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉन सीरियल शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते रिकवरेबल नहीं होते कास् नहीं होते स्ट्रिक्ट नहीं होते ठीक है हमेशा नहीं होते कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है यहाँ आ जाती है बात सीरीजबिलिटी की ठीक है सीरियल सीरियलाइजेबिलिटी की तो सीरीलाइजेबिलिटी होता क्या है सम नॉन सीरियल शेड्यूल्स में लीड टू इनकसटी कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ठीक है डेटा की इनकसिस्टेंसी में नॉन सीरियल शेड्यूल्स में हो सकता है है ना सीरी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई विच नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर करेक्ट एंड विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा बेस तो सीरियलाइजेबिलिटी जो होती है वो कॉन्सेप्ट है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं कौन से करेक्ट हैं और उसको मेंटेन करता है कॉन्सिटेंसली डेटा में अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की बात करते हैं तो इफ़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल्स ऑफ एन ट्रांजेक्शन इज़ इक्वल एंड टू सम सीरियल शेड्यूल्स ऑफ एन ट्रांजेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल यानी नॉन सीरियल और सीरियल शेड्यूल्स में एन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं है ना और सीरियल सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट रिकवरेबल कास्टलेस और स्ट्रेट तो बोला जाएगा कि दो तरह के होते हैं सीरियल और नॉन सीरियल है ना और नॉन सीरियल देखो सीरियल जो होते हैं सारे कंसिस्टेंट रिकवरेबल कास्केडलेस स्ट्रिक्ट होते हैं मगर तो नॉन सीरियल में हमेशा नहीं होते तो नॉन सीरियल में हमेशा नहीं होने वालों को तो लीव करो जो हो जाते हैं हमेशा वो होते हैं सीरियलाइजेबल नॉन सीरियल शेड्यूल्स है ना तो ये सारे शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट रिकवरेबल कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट रहते हैं अब टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी होती है जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था कॉन्फ्लिक्ट और व्यू तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है इफ़ अ गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग इट्स नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस देन इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या हुआ यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर नॉन सीरियल शेड्यूल दे रखा है और उसको हम सीरियल बनाया जा सकता है अगर कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं उनको स्वैप कर दें है ना जो ऑपरेशन एक दूसरे के साथ आ, क्या कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो उनको स्वैप कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है यानी हम नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल बना रहे हैं रही बात व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की तो इफ़ अ गिवन शेड्यूल इज़ फाउंड टू बी अ व्यूड एज इक्वल एंड टू सम सीरियल शेड्यूल देन इट इज़ कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल यानी एक नॉन सीरियलाइजेबल नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो अगर इक्ल एंड मान सकते हैं हम उसको एक सीरियल शेड्यूल के तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले शेड्यूल्स जो होंगे वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नॉन सीरियल शेड्यूल्स होंगे ठीक है बात करते हैं नॉन सीरियल सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स की जो कि इसका सेकेंड टाइप था है ना ब्रांच का नॉन सीरियल शेड्यूल विच इज़ नॉट सीरियलाइजेबल इज कॉल्ड नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या बोला नॉन सीरियल शेड्यूल तो सारे ही शेड्यूल है ना अभी हम नॉन सीरियल के टाइप पढ़ रहे हैं मगर ऐसे शेड्यूल जिनको नॉट सीरियलाइजेबल हैं जो सीरियलाइजेबल नहीं हो सकते उनको बोलते हैं नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल अ नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज़ नॉट गारंटीड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय सम सीरियल शेड्यूल्स ऑन एनी कंसिस्टेंट डेटा बेज तो यहाँ पर एरर के चांसेज ज़्यादा है नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट मे और मे नॉट बी रिकवरेबल तो यहाँ ये कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते रिकवर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते है ना इकवरेबल शेड्यूल इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म्स अ डर्टी रीड ऑपरेशन फ्रॉम एन अन कमिटेड ट्रांजेक्शन ठीक है तो देखो डर्टी रीड ऑपरेशन होता है आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं ज़्यादा पढ़ना हो तो अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है डर्टी रीड ऑपरेशन तो वो होता है अनकमिटेड ट्रांजेक्शन वो कमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना कोई ना कोई एरर आ जाता है एंड एंड कमिट्स बिफोर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ रीड द वैल्यू देन सच अ शेड्यूल इज़ कॉल्ड इकवरेबल शेड्यूल तो इिकवरेबल शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे हम तो ये होते क्या हैं कि जो कमिट्स बिफोर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ रीड द वैल्यू ठीक है ऐसे कमिट जिससे उसने वैल्यू उसकी ट्रांजेक्शन के पहले जिसने उसकी वैल्यू रीड करी हो देन सच शेड्यूल इज़ नोन एज रिकवरेबल शेड्यूल यानी हम रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज़ पता हो तो है ना जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसको ढूंढ सकते हैं अगर हमें पता हो उन्होंने कहाँ कहाँ रखी थी तो वही चीज़ें जब हमें कमिट्स याद हों रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म अ डर्टी रीड ऑपरेशन फ्रॉम एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है अनकमिटेड ट्रांजेक्शन हो रही है मगर इट कमिट ऑपरेशन इज़ डिलेड टिल द अनकमिटेड ट्रांजेक्शन इधर कमिट्स और रोल बैक है ना तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि वहाँ पे रीड कर सकते हैं वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे तब तक होल्ड पे रहेगी हमारी ट्रांजेक्शन है कि एंड इट्स कमिट ऑपरेशन डिलेड कमिट ऑपरेशन तब तक डिले रहेगा जब तक हमारा अनकमिटेड ट्रांजेक्शन या तो कमिट ना हो जाए या रोल बैक ना हो जाए तो इस शेड्यूल को हम बोलते हैं रिकवरेबल शेड्यूल है, है ना रिकवर कर सकते हैं टाइप ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल आ जाते हैं कास्केडिंग कास्केडलेस या स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो कि मैं आपको बोल रहा था इंतज़ार करो तो ये इंतज़ार ख़त्म होता है यहाँ पे कास्केडिंग शेड्यूल क्या होते हैं इफ़ अ शेड्यूल फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन कॉज ए सैवल अदर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन टू रोल बैक और अबॉर्ड यानी एक गया तो बाकी भी जानना पड़ेंगे देन सच अ शेड्यूल इज कॉल्ड कास्केडिंग शेड्यूल या कास्केडिंग रोल बैक या कास्केडिंग अबॉर्ड ठीक है अब बात करते हैं कास्केडलेस शेड्यूल की तो इफ़ इन अ शेड्यूल अ ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड टू रीड अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन दैट हैज रिटर्न इट्स कमिटेड और अबॉर्टेड क्या बोला अगर एक शेड्यूल है आपके पास है ना और अ ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अलाउड टू रीड अ डेटा अब ट्रांजेक्शन को डेटा रीड करना पड़ता है डेटा रीड करने को नहीं मिल रहा जब तक तो कि हमारी पुरानी ट्रांजेक्शन ख़त्म ना हो जाए दैट हैज़ रिटर्न इट्स कमिटेड और या अब्रॉड ना हो जाए है ना ये जो जो ट्रांजेक्शन रुकी हुई है यहाँ डेटा की बात हो रही है ठीक है ध्यान देना कुछ लोग इसको बिटकॉइन से भी रिलेट कर सकते हैं है, है ना तो जो कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से वो उससे भी करके समझें देन सच अ शेड्यूल इज़ कॉल्ड कास्ट शेड्यूल एक डिपेंडेंट होते है जब तक तो पूरा ना हो जाए ठीक है आते स्ट्रिक्ट शेड्यूल इफ इन अ शेड्यूल ट्रांजेक्शन इज़ नीदर अलाउड टू तो रीड और नॉट राइट अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न इट्स कमिटेड कमिट और अबाउट है ना जब तक लास्ट ट्रांजेक्शन जो होगी वो या तो कमिट हो जाए या अबाउट हो जाए या पूरी हो जाए या फिर हट जाए है ना ऐसे बीच का केस ना रहे तो उसको स्ट्रिक्ट शेड्यूल कहते हैं यानी तब तक वो रीड वो रीड तक नहीं कर सकती ना राइट करेगी ना रीड ही नहीं कर सकती तो राइट कैसे कर पाएगी तो ये होती है स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग ठीक है आते हैं हम रिलेशनल एलजैब्रा पे ठीक है अभी तक हमने एसिड प्रॉपर्टी देख ली शेड्यूल्स देख लिए रिलेशनल एलजैब्रा पे आते हैं फटाफट से रिलेशनल एल्जैब्रा इज़ अ प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज विच टेक अ रिलेशन एज एन इनपुट एंड जर्नल जनरेट्स अ रिलेशन एज एन आउटपुट क्या बोला कि एक रिलेशनल एल्जेबरा जो होगा वो एक प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होगा है ना जो एक रिलेशन को लेता है एज एन इनपुट एंड जनरेट अ रिलेशन एज एन आउटपुट तो आउटपुट के रूप में भी एक रिलेशन को जनरेट करता है जैसे कि बेसिक ऑपरेशन है हमारा सिगमा सेलेक्शन के लिए पाई प्रोजेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट और यूनियन ठीक है इसके सेमेंटिक्स बता देते हैं सिग्मा जो होता है सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्ट करता है रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन अभी नीचे भी आएंगे आते हैं उस पर ठीक है बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन सेलेक्ट्स रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन प्रोजेक्शन जो करता है प्रोजेक्ट सम कॉलम्स क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन एम एम इन टू एन रोज वेर एम एंड एन आर द नंबर ऑफ रोज इन आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली यू जो है यूनियन है रिटर्न दो स्टपल्स वीच आर नीदर विच आर ईदर आर वन और इन आर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ रिटर्न जो हो N N होती है एम प्लस एन होती है एंड माइनस एंड मिनिमम नंबर जो होती है वो मैक्स ऑफ एम एन होती है यानी मिनिमम नंबर जो होगा वो भी मैक्स होगा एम या एन का और मैक्सिमम नंबर तो दोनों का सम होगा ही तो माइनस जो होता है वो आर वन माइनस आर टू होता है वो रिटर्न करता है उस टपल्स को विच आर इन आर वन बट नॉट इन आर टू है ना जैसे सेट में आपने पढ़ा था कि सेट ए माइनस बी क्या होता है ऐसा ऐसे सेट के एलिमेंट जिसमें ए के ही ए सेट में जो प्रेजेंट है वही पता चले बी वाले सब रिमूव हो जाएँ तो कुछ इस तरह से है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज जो होंगी वो एम होगी और मिनिमम होगी एम माइनस एन फिर आते हैं हमारा क्या कहेंगे इसको रो कहते हैं इसको है ना रीनेम रीनेम अ रिलेशन टू अनदर तो एक रिलेशन को दूसरे में रीनेम कर देना वो रो करेगा फिर आते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं इन सबको दिमाग में रखें इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ रखा है कि रिटर्न दो टपल्स विच आर इन बोथ आर वन एंड आर टू मैक्स नंबर ऑफ रोज़ रिटर्न इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एम एन एंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ रिटर्न इज इक्वल टू जीरो तो मैक्सिमम जो होगा वो मिनिमम होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन यानी दो आ, दो हमारे पास डेटा है रिलेशन है उनमें से कुछ गिन चुने निकालना है ना तो मैक्सिमम नंबर जो होंगे या तो मिनिमम का पूरा डेटा मैक्सिमम वाले में मिल जाए तो इसलिए हम कहते हैं मिनिमम ऑफ जो है वो पूरा हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा या मिनिमम ऑफ रो रिटर्न जीरो भी हो सकता है यानी दोनों ही सिमिलर uh, ना हो टपल्स ठीक है फिर आता है हमारा कंडीशनल जॉइंट कंडीशनल जॉइंट जो होता है वो सिलेक्शन फ्राम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन सम समीशन ठीक है तो कोई कंडीशन uh, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर कंडीशनल जॉइंट आएगा इक्वी जॉइंट क्या होता है देखो कंडीशनल तो जॉइंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाई सलेक्शन है ना तो इसलिए सी लगाए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है और सिलेक्शन भी होता है इक्वी जॉइंट जान लेते हैं इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कंडीशनल जॉइंट वेयर ओनली इक्वल कंडीशन आर अप्लाइड बिटवीन एट्रीब्यूट तो इक्वल कंडीशन होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स के बीच में नेचुरल जॉइंट क्या करता है नेचुरल जॉइंट इक्वालिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स होल्ड एंड डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव बाई डिफॉल्ट तो क्या होता है नेचुरल जॉइंट में इक्वालिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट होल्ड एंड डुब्लीकेट एट्रीब्यूट आर रिमूव बाय डिफॉल्ट तो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया जाता है नेचुरल जॉइंट्स इन इक्वल इज इक्विवेलेंट एंड टू क्रॉस प्रोडक्ट इफ़ टू नो हैट्रीब्यूट इन कॉमन है ना तो so, जिन रिलेसन में कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं होता उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है और नेचुरल जॉइंट ऑफ रिलेसन आर विद इट सेल्फ इज रिटन आर ऑन है ना एक रिलेशन का खुद के साथ है ना एक नेचुरल जॉइंट का खुद के साथ रिलेशन देखेंगे तो वो आर ही आएगा फिर आते हैं लेफ्ट आउटर जॉइंट लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या होता है वन अप्लाइंग जॉइंट ऑन टू रिलेशन आर एंड एस सम टपल्स ऑफ आर और एस डू नॉट अपियर इन द रिजल्ट सेट रिज़ल्टच डू नॉट सेटिसफाई जॉइंट कंडीशन है ना तो जब जॉइंट को लगाते हैं जॉइंट ऑन टू रिलेशन दो रिलेशन आर और एस पे लगाते हैं तो कुछ टपल्स जो होते हैं आर ई एस के वो अपीयर नहीं होते रिज़ल्ट सेट में मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करते जॉइन कंडीशन को है ना तो बट बट लेफ्ट आउटर जॉइंट गिव ऑल टपल्स ऑफ आर इन रिजल्ट सेट मगर ये अच्छी बात है कि जो लेफ्ट आउटर जॉइंट है वो आर सेट में रिजल्ट दिखा देगा और द टपल्स ऑफ आर विच डू नॉट सेटिस्फाई द जॉइन कंडीशन है वैल्यूज एज नल फॉर द एटरीब्यूट तो आर आर में क्या आ जाएगी एस के एट्रीब्यूट्स की नल वैल्यू आ जाएगी ठीक है थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होगा एक बार इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे राइट आउटर जॉइंट व्हेन अप्लाइंग जॉइंट ऑन टू रिलेशन आर एंड एस सम टपल्स ऑफ आर और एस डू नॉट अपीयर इन द रिज़ल्ट सेट ठीक है तो जब यहाँ पे टू रिलेश आर और एस में लगाया जाएगा तो कुछ टपल्स होंगे आर या एस के वो अपीयर नहीं होंगे रिजल्ट सेट में जो कि सेटिसफाई जॉइंट कंडीशन को नहीं करेंगे ठीक है बट राइट आउटर जॉइंट गिव ऑल टपल्स ऑफ एस इन द रिजल्ट सेट ठीक है तो एस के सारे टपल्स दे देगा रिजल्ट सेट में और द टपल ऑफ एस विच डो नॉट सेटिस्फाई द जॉइंट कंडीशन विल हैव द वैल्यू एज नल फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर तो आर के एट्रीब्यूट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी नल होगी बात करते हैं फुल आउटर जॉइंट की मैन अप्लाइड जॉइंट टू अगेन कुछ जो होते हैं सेटिस्फाई नहीं करते हैं मगर फुल आउटर जॉइंट क्या देता है ऑल टपल्स ऑफ एस एंड ऑल टपल्स ऑफ आर इन द रिज़ल्ट है ना दोनों के ही टपल्स के रिजल्ट देता है द टपल्स ऑफ एज विच डू नॉट सेटिस्फाई द जॉइंट कंडीशन विल है विल हैव वैल्यू एज नल फॉर एट्रीब्यूट आर एंड वाइस वर्सा तो उसके लिए आर आर के लिए वाइस वर्स तो मतलब नल वैल्यू होगी और साथ ही साथ उल्टा भी पॉसिबल है तो डिवीजन ऑपरेशन ए डिवाइड बी क्या करेगा रिटर्न करेगा उन टपल्स को ही विच आर एसोसिएटेड एवरी टपल ऑफ़ बी ठीक है ऐसे ऐसे टपल को देगा जो कि ए में है मगर एसोसिएट करते हैं बी के टपल से नोट एट्रीब्यूट्स ऑफ बी शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए हाँ ये होना चाहिए है ना जैसे हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को तो डिवाइड कब पॉसिबल होता है जब रिमाइंडर जीरो आता है तो ऐसा जरूर होना चाहिए द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए बाई बी विल बी एट्रीब्यूट्स ऑफ एटरीब्यूट एट्रीब्यूट्स ऑफ बी तो ए एक ऐसे एलिमेंट जो बी के भी एट्रीब्यूट्स थे ये तो ये था हमारा एट्रीब्यूट ऑपरेशन फाइल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं प्राइमरी इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है द प्राइमरी इंडेक्स इन एन ऑर्डर्ड फाइल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल फिक्स्ड लेंथ विद टू फील्ड्स फर्स्ट फील्ड इज सेम एज प्राइमरी की एज अ डेटा फील्ड एंड सेकेंड फील्ड इज़ अ पॉइंटर टू द डेटा ब्लॉक क्या कह रहा हूँ कि देखो फाइल स्ट्रक्चर वैसे तीन टाइप के होते हैं देखने से पता ही चल रहा है कि प्राइमरी इंडेक्स क्लस्टरिंग इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स प्राइमरी की बात करेंगे तो एक कि ऑर्डर्ड फाइल है ये रिकॉर्ड है ऑफ फिक्स लेंथ विद टू फील्ड्स है ना दो फील्ड होते हैं और फर्स्ट फील्ड इज सेम एज द प्राइमरी की प्राइमरी की के बराबर होता है एज अ डेटा फाइल एंड द सेकेंड फील्ड इज़ अ पॉइंटर ऑफ द डेटा ब्लॉक है ना तो पह, दो फील्ड होते हैं पहला फील्ड जो होता है हमारा क्या होता है डेटा फाइल होता है और सेकेंड फील्ड जो होता है वो हमारा डेटा ब्लॉक होता है वेयर द की इज़ अवेलेबल जहाँ पे की हमारे पास होती है तो एक पॉइंटर टाइप होता है द एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक एसेस यूजिंग इंडेक्स लॉक लॉग बी आई बेस टू प्लस वन वी आर बी आई इज़ द नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉग्स ठीक है तो अगर एवरेज नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स देखने जाएँ कि इंडेक्स से एसेस करना चाहें तो वो होता है हमारा लॉग लॉग बी आई बेस टू प्लस वन है ना तो बी आई जो होगा वो इंडेक्स नंबर होता है ब्लॉक का क्लस्टरिंग इंडेक्स की बात करें तो सेकेंड पार्ट है ये फाइल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि क्लस्टरिंग इंडेक्स इज़ क्रिएटेड ऑन डेटा फाइल वोज रिकॉर्ड्स आर फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन अ नॉन की फील्ड नॉन की फील्ड जो होती है वो हमारी क्लस्टरिंग फील्ड बोली जाती है और जिनके जिसका डेटा जो होता है वो ऑर्डर हो रखा होता है नॉन की फील्ड में उसी को कंस क्लस्टरिंग इंडेक्स कहते हैं यानी क्लस्टरिंग फील्ड में अगर डेटा इंडेक्स हो रखा है तो जिसके रिकॉर्ड्स आर फिज़िकली इंडेक्स फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन नॉन की फील्ड थर्ड आता है हमारा सेकेंडरी इंडेक्स सेकेंडरी इंडेक्स प्रोवाइड सेकेंडरी मीन्स टू एस ऑफ एसेसिंग अ फाइल फॉर विच प्राइमरी एस एस ऑलरेडी एग्जिस्ट तो यहाँ पर प्राइमरी एस एस हो होना ज़रूरी है तब जाके सेकेंडरी एस एस भी मिलेगा ठीक है मैं सोच रहा हूँ डी डी एल को पढ़ने से पहले हम डी डी एल डी एम एल डी सी एल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करें और अभी पहले हम बी ट्रीज़ के बारे में भी देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक है बी ट्रीज़ चलो बी ट्रीज एट वेरी at every level we have key and data points and data point points point pointer points to each block or record क्या बोला कि हर लेवल पे क्या होता है हमारे पास की होता है और डेटा पॉइंटर होते हैं ठीक है जो उस की को पॉइंट कर रहा है एंड डेटा पॉइंटर पॉइंट टू ईच इधर ब्लॉक और रिकॉर्ड या तो ब्लॉक को पॉइंट करेगा या रिकॉर्ड को, ना, किसे ने किसे को है ना किसी ना किसी को पॉइंट जरूर करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी ट्रीज बी ट्रीज़ के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रूट ऑफ बी ट्रीज़ कैन हैव चिल्ड्रन बिटवीन टू एंड पी वेयर पी इज द ऑर्डर ऑफ ट्री तो ऑर्डर ऑफ ट्री क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव तो एक नोड के पास कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं ये डिपेंड करता है इंटरनल नोड कैन हैव चिल्ड्रन बिटवीन पी बाय टू और यहाँ पे ऊपर वाले ब्रैकेट लग रखें एंड पी और इंटरनल नोड कैन हैव चिल्ड्रन यानी मैक्मम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अोड कैन हैव देख रहे हैं तो इंटरनल नोड जो होगा वो पी बाई टू या पी होगा और इंटरनल नोड कैन हैव कीज़ बिटवीन पी बाई टू माइनस वन और पी माइनस वन ठीक है बी बी प्लस ट्री में देखते हैं बीटा प्लस ट्री इन बी प्लस ट्री इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड नॉन लीफ आर डिफरेंट सो देयर ऑर्डर इज स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं तो ऑर्डर भी डिफरेंट होगा ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ विल बी हायर एज कंपेयर टू लीफ नोड्स और सर्चिंग आइटम्स विल बी लेस इन बी प्लस ट्री सिंस इट डज नॉट हैव रिकॉर्ड पॉइंटर इन नॉन लीफ बिकॉज ऑफ विच डेप्थ विल डिक्रीज तो हुआ क्या कि सर्चिंग टाइम विल बी लेस मतलब बी प्लस ट्री में कम टाइम लगेगा और इस इसके पास कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते जिसकी वजह से डेप्थ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो ये थे हमारे बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज और इस तरह से आज का यहीं रह देते हैं और एस क्यू एल पार्ट आ जाता है हमारा ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं एस क्यू एल में डी डी एल डी एम एल वगैरह पढ़ते हैं डी सी एल है ना तो ये जो है एस क्यू एल पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए आप साथ साथ चल रहे होंगे और कुछ नई टर्म्स आ जाती हैं बीच बीच में तुम उसको लिख लिया करो कॉपी पे नोट करके है ना और छोटे छोटे नोट्स बना दिया करो वैसे तो बने हुए हैं ये मगर की पॉइंट्स को नोट कर लिया करो किसको दोबारा रेफर करना है अभी क्या हो रहा है अगर मैं एग्ज़ाम क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों का एग्ज़ाम्पल भी दिया जाए साथ में तो बेटर रहता है ना मगर ये नोट्स हैं पहले से ही शॉर्ट हैं तो और इसको बड़ा कर देना तो कोई सेंस नहीं बनेगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बस कीवर्ड्स याद हों और तुम सर्च कर लो फटाफट से अगर जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो है ना तुम्हें मान लो एक चीज़ समझ में नहीं आई है भी बताया मैंने या तुम्हें क्लस्टरिंग समझ में नहीं आया वो तुम सर्च कर लो ठीक है तो उससे एग्ज़ाम्पल वगैरह देख लो अगर तुम्हें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है ना मतलब वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है मगर तुम्हें इंपॉर्टेंट है मगर तुम्हारे दिमाग से स्किप हो रही है ना तो तुम उसको पता लगा सको है ना इसलिए मैंने सोचा कि तो मैं ये की पॉइंट्स के बारे हूं। तो में समझाता दूँ तो नेक्स्ट क्लास में एस देख लेंगे हम ये सब चीज़ें तो आज के लिए इतना ही खैर चलो फिर